वेलकम बैक टू माय चैनल निप्रा ब्लॉग। दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली आने वाली थी वो आ चुकी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अब इसका प्रोसेस देखें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी का जो 6 to 8 वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे bpsc.bih.nic.in पे जाएंगे और यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे। तो हमने बीपीएससी का जो मेन पेज है उसको हमने खोल लिया है। खोलने के बाद हम यहाँ पे मेनू बार में जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज खुल गया। पेज खुलने के बाद अब यहाँ पे हमें देखना है यूज़ फॉलो लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि प्लीज़ नोट दैट यू आर नाउ लिविंग दिस वेबसाइट, एक्सटर्नल वेबसाइट विल नाउ ओपन अप इन अ न्यू ब्राउजर। मतलब इसका मतलब है कि अब इस वेबसाइट से हम चले जाएंगे दूसरे वेबसाइट पे, क्योंकि बीपीएससी ने इस तरीके से फॉर्मेट बना करके रखा है, वो दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। अब हमें एक दूसरा पेज खुल गया। अब ये मेन पेज आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको बस यहाँ पे लॉगिन पे जाना है, लॉगिन कर देना है। अगर नहीं किया तो ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक हम लोग करेंगे। क्लिक करने के साथ ये स्क्रॉल हुआ, स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे जो भी अभी लेटेस्ट वैकेंसी होगा वो आ जाएगा। और हम अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारा 27/2023 है, तो ये हम देख लेंगे। और यहाँ पे देख लेंगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन स्कूल टीचर। अब यहाँ पे हम राइट साइड जाएंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, जो अभी अगर एडवर्टाइजमेंट उसका देखना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या क्या उसमें आया है। एक है इंस्ट्रक्शन फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी हम लोग चाहें तो क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे देखने के लिए। अब इंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फिलअप करेंगे, तो उसको हम ऐसे खोल लिया। खोलने के बाद हम लोग चेक देख लेंगे, चूंकि मैंने देख रखा है तो इसके लिए मुझे देखने का कोई जरूरत। क्लिक टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन, तो हम यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारा ये पेज खुल गया है। पेज खुलने के बाद अभी हमारे पास देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया 27/2023 और नेम ऑफ एग्जाम स्कूल टीचर की रिगार्डिंग है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड, या अगर विवाहित है तो वैसे, और मदर नेम सेलेक्ट। ओके ठीक, हाँ ठीक है, अभी हम भरना शुरू करते हैं। मैं अपना पहले भर लेता हूँ, उसके बाद मैडम का भरूँगा। प्रमोद कुमार, सॉरी प्रमोद, और यहाँ अगर लास्ट नेम में कुमार डालेंगे, उसके बाद फादर नेम लाल, तो हम यहाँ पे अगर अति महिलाएं के लिए है, अगर विवाहिता महिलाएं हैं तो उसके लिए वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। अदरवाइज अगर हस्बैंड अगर विवाहित है तो वो अपनी मैडम का नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और ख़ास बात ये है, मतलब एक और बात है, जो फर्स्ट कैंडिडेट फर्स्ट नेम है उसके आगे हम लोग जो श्रीमान श्रीमती, तो वो हम लोग नहीं लगाएंगे, तो वो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी मदर नेम हम लोग फिलअप करेंगे, बिंदिया देवी, आधार नंबर हो गया आधार। तो यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप का ऑप्शन दे रहा है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है और ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप आधार नंबर ही दें, क्योंकि पैन कार्ड नंबर देने पे क्या हो रहा है कि 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो इसके लिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आधार कार्ड नंबर ही डालना होगा, तो
पैन कार्ड डालिएगा तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तो इसी के लिए मैं आधार कार्ड नंबर ही यहाँ पे डालूँगा। तो इसके लिए मैं डाल रहा हूँ जो मैंने इस रख रखा है, इसे मैंने कॉपी किया अपना। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं अपना ये ऑप्शन आया अपलोड आधार पीडीएफ, हमें आधार कार्ड पीडीएफ में ही डालना है, जेपीजी या किसी और फॉर्मेट में नहीं डालना है। तो बस मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा और पीडीएफ में मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो यहाँ पे जाऊँगा, ये आधार कार्ड नंबर है। और हाँ, यहाँ पे साइज़ का भी देखना है हमें, कि साइज़ हमें 100 kbps के नीचे में ही रखना है, उससे ऊपर नहीं करना है। अगर उसके ऊपर करेंगे तो हमें कुछ वो ऐड ये लेगा ही नहीं उस केस में। तो इसी के लिए 100 kbps के नीचे ही करना है हमें। तो हम मैं यहाँ पे आधार कार्ड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपलोड हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अभी अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आधार कार्ड जो हमने अभी डाला है वो हमारा वो दिखने लगेगा। तो चूंकि टाइम ज़्यादा नहीं, तो इसके लिए हम ये करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस क्लिक कर देंगे। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यस कर देंगे यहाँ पे। तो हम लोग अगर बिहार के रेजिडेंट्स हैं तो यहाँ पे यस में डालेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। तो नहीं डालने पर कोई इशू नहीं है आपको, अगर अगर हम बिहार के रेजिडेंट्स नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है, वो हमें एज ए जनरल कैटेगरी का वो लिया। और अगर हम बिहार के तो यहाँ पे हम बिहार के रेजिडेंस हैं, इसके लिए हम यस क्लिक करें। इस यस करने का मतलब है कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट नंबर है मेरा, मैंने यहाँ पे पहले सेव कर रखा है, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर है ये, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डेट ऑफ इशूज़ हमने इशू हमने कर दिया, तो जुलाई में मैंने जून में लिया था। अब यहाँ पे हम लोग पीडीएफ अपलोड करेंगे, ये भी हमारा 90 100 kbps के अंदर में ही है, ये अपलोड हो गया है, हम इसे अब व्यू करके देख भी सकते हैं। और अब नेक्स्ट में आ गया, डू यू बिलोंग इन रिजर्व कैटेगरी, अगर यस है तो यस, नो है तो नो। तो मैं अगर करता हूँ तो मैं यस करूँगा, यस करनी, तो उसके बाद फिर मैं अगर उसके बाद फिर है इफ़ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, तो मैं कैटेगरी कोड सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ EBC मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा, अब क्लिक करने के बाद मेरा कास्ट नेम और फिर NCLC जो होता है, जो हमारा नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, वो हमें डालना होगा। तो चूंकि मैं यहाँ पे अपने कास्ट का वो डाल देता हूँ, और उसका सर्टिफिकेट नेम मेरे पास है, मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, ये मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। और उसके बाद जब मैंने इसको निकाला था उस समय का करीब जुलाई में था वो, 7 जुलाई। अब सर्टिफिकेट इशू बाई बिहार, अगर आप बिहार में इशू करवाया तो बिहार का डालिए, अगर आप अदर का है, बिहार से बाहर का करवाया तो आप अदर पे क्लिक कीजिए। मैंने बिहार में करवाया था। अब क्या लिख रहा है, अपलोड NCLC सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए है अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ, पीडीएफ में ही यहाँ पे भी हमें अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पे NCLC सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, क्लिक किया हमने, NCLC सर्टिफिकेट को क्लिक डाउनलोड अपलोड करा है, अब यहाँ पे अपलोड हो गया, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद मैरिटल स्टेटस के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे अगर मैरिड है तो मैरिड, नॉन मैरिड है तो नॉन, अनमैरिड है तो अनमैरिड, तो मैं मैरिड पे क्लिक करूँगा। मेल कैटेगरी है मेरा, इसी के लिए मैंने मेल यहाँ पे क्लिक किया। आर यू ग्रैंड सन और एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, नो सेलेक्ट है पहले से। आर यू पर्सन हु बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप डिसेबल हैं किसी भी मतलब बचपन से, तो आप उसको डिसेबिलिटी में यस, अगर नहीं है तो नो। तो और यहाँ पे इफ यस देन नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज में, मतलब विजुअल डिसेबिलिटी, मतलब आप ठीक से देख नहीं सकते हैं, हियर
रिंग डिसेबिलिटीज आप, तो ये सारे हैं। आर यू एक्स सर्विस मैन? नो। उसके बाद यहाँ पे पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत निकृति एवं कार्यरत शिक्षक हैं? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, ये हमारा है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता एंड दक्षता परीक्षा, इसमें हम फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे। तो ये ओके, प्लीज सेलेक्ट सीटेट पेपर वन, पेपर ये वाला फॉर्म हमें, तो हम यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट सीटेट पेपर या क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है देखिए, अभी हम चूंकि पेपर 6 to 8 वाला अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बोल देगा कि यहाँ वैलिडेशन फेल, प्लीज सेलेक्ट एजुकेशनल। हाँ, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट टू वाले पे क्लिक किया है। अब उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे सीटेट पेपर टू का हमें सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है। तो सीटेट सर्टिफिकेट नंबर पे चूंकि कुछ वहाँ पे नंबर नहीं होता, तो हम बस NA डाल देंगे। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे NA, नॉट एप्लीकेबल। इशू डेट था मेरा 3/3/2023, तो हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड सर्टिफिकेट, तो मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल लेंगे। सर्टेट सर्टिफिकेट जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, वो हमने अपलोड कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद फिर नीचे जाएंगे हम लोग। आप किसी भी विद्यालय अध्यापक के अनिवार्य अर्थ रखते हैं? आप मतलब हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापकन पद के लिए क्लिक किया मैंने यहाँ पे, चूंकि मुझे इसी शिक्षा विभाग के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ही हमें फिलअप करना है, तो इसीलिए। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, 20/11/1991। यहाँ पे ये कर दिया है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर क्लास 6 to 8 क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ बस ओके का बटन हमें दबाना है, दबा दिया। दबाने के बाद अब एड्रेस डालना है, जो कि यहाँ पे हमें क्लास 6 to 8 दबाने के बाद हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने मैथ और साइंस के लिए किया था, तो मैं यहाँ पे मैथ और साइंस, गणित और विज्ञान डाल दूंगा। अब मेरा एड्रेस हो गया अभी, जो कि ये मेरा है अभी, परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये मेरा लोकल एड्रेस है, चूंकि मेरा ऑटो सेलेक्ट था तो इसी के लिए ये आ गया। अभी फिर दूसरे में परमानेंट एड्रेस के लिए हम लोग करेंगे, तो गुस टूल, ये एड्रेस मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में, हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ जजमेंट? यहाँ पे यस, हाँ यहाँ पे यस ही पहले से सिलेक्ट है, तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी आने का ऑप्शन देगा, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे, पहले इसको वेरीफाई कर लेना है ईमेल आईडी को। वेरीफाई करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे ओटीपी डालने के लिए, ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। आने के बाद फिर ये ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, और वहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन है वो डालेंगे। उसके बाद फिर सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे।